हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब प्रश्न सूचक वाक्य, मीन्स वैसा सेंटेंस जिसमें या जिससे किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए तो उस प्रकार के सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वैसा सेंटेंस जिससे किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या मैं खेल चुका हूं, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है। क्या वह पढ़ चुका है, मींस कि वह कंफर्म नहीं है वह पढ़ा है कि नहीं, यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है क्या वह पढ़ चुका है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। और जब प्रश्न चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, इन सारे वर्ड से किया जाए तो समझ लीजिएगा कि यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है आई, और चूंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सबसे पहले आपका हो जाएगा ए, उसके बाद आई। और चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आपका हर कथन फॉर्म यूज होगा, जिसे हम लोग इंट्री से डिनोट करते हैं। लास्ट में आपका हो जाएगा ओके और उसके बाद क्वेश्चन। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होता है वी। वी के लिए आपका होगा है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा है प्लस वी प्लस इंट्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक उसी प्रकार यदि सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है यू, यू के लिए लगेगा है, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा है, उसके बाद यू, फिर भर का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर जो होता है यू, यू के साथ लगता है तो है प्लस यू प्लस इंट्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। यदि आपका सेंटेंस सही भी रहा और आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि एनी हाउ क्वेश्चन मार्क देना ना भूले, ये कंपलसरी है। विदाउट क्वेश्चन मार्क योर सेंटेंस इज रॉन्ग। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही सी ई एनी ने, क्योंकि यह सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लगेगा हैज, और भर का थर्ड फॉर्म यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होता है दे, और दे के साथ आपका लगेगा है, और भर का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ एग्जांपलों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं ताकि हम लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो सके। सपोज, क्या मैं खेल चुका हूं, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं का आई और आई के साथ लगता है, और चूंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सबसे पहले आपका हो जाएगा है, उसके बाद आई, और खेलना का होता है प्ले, और प्ले का भीतरी होता है प्ले, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्ले और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं खेल चुका हूँ, हैव आई प्ले। अब यदि नेक्स्ट एग्जांपल देखें, क्या हम लोग खेल चुके हैं,
इसका कैसे बनेगा? हम लोग का होता है वी, और वी के साथ लगता है एड, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा एड, उसके बाद आपका होगा वी, और जो भी पहला का होता है प्ले, और हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा प्ले। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस बनेगा हैव वी प्ले, क्या हम लोग खेल चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम या आप सो चुके हो? सेकंड पर्सन का सिंगल होता है तुम, यू, यू का मतलब तुम या आप, और यू के लिए लगता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा है, उसके बाद यू, और सपना का होता है स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप, इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा स्लेप, हैव यू स्लेप, क्या आप या तुम सो चुके हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या वह बाजार जा चुका है? वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ लगेगा ही, और क्योंकि सिंगुलर है इसलिए आपका हो जाएगा हैज, उसके बाद वह का होता है ही, जाना का वो, और वो का बेहतरी होता है गोन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गोन, हैज ही गोन टू, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बाजार, तो आपका लास्ट में लगेगा मार्केट, बाजार का क्या होता है मार्केट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे बहुत ही जगह पे आप कोई भी सब्जेक्ट डालिएगा, यदि यहाँ पे आप डालिएगा क्या साहेब बाजार जा चुका है, तो साहेब ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ लगेगा है, उसके बाद साहेब का साहेब ही होगा है साहेब, और जाना का होता है कि फिर गोन, तो यहाँ पे गोन हो जाएगा, कहाँ जा रहा है तो मार्केट, तो अंत में हो जाएगा मार्केट। इस प्रकार से आपका सेंटेंस क्या बनेगा, क्या साहेब बाजार जा चुका है, हैज साहेब गोन टू मार्केट। अब इस साहेब के जगह पे आप कोई भी सब्जेक्ट रखिएगा, सिर्फ उसका नाम चेंज होगा, साहेब राम, रोहन, सोहन, जो भी हो, सेंटेंस ठीक इसी प्रकार बनेगा, क्योंकि वह भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, हैज मोहन गोन टू मार्केट, हैज सोहन गोन टू मार्केट, हैज राम गोन टू मार्केट, हैज सीता गोन टू मार्केट, कोई भी कितना भी आप हजार सेंटेंस ठीक इस स्ट्रक्चर से आप बना सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, इस वर्ब का यूज करके आप लोग सेंटेंस बनाइएगा, जैसे बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, बिगिन का मतलब शुरू करना, ब्लीड का मतलब खून बहना, ब्रेन का मतलब लाना, क्राई मीन्स चिल्लाना, जोश मीन्स चुनना, एंटर मीन्स प्रवेश करना। तो इन सारे वर्ब का यूज करके आप लोग सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।